ताजा घडामोडींसाठी स्वानंद न्यूजला सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा। आपकी टैक्स से ही होगा शहर का विकास और किसी भी वारंट या समस्या से दूर रह सकते हैं आप। अगर बिल नहीं पहुंचा तो बिल का इंतजार ना करें, यूएमसी के सीएफसी सेंटर या यूएमसी हेडक्वार्टर से प्राप्त करें बिल, या ऑनलाइन भी आप चेक कर सकते हैं। यूएमसी के टैक्स विभाग की तरफ से सभी शहरवासियों को चल रहे वर्ष के लिए 5% तक की छूट और ऑनलाइन पे करने पर 5.5% केवल 31 अगस्त 2023 तक। राष्ट्रवादी काँग्रेसचे माजी नगरसेवक भरत गंगोत्री यांच्या प्रभागात सुरू असलेल्या विकास कामावरून शिवसेना आमदार डॉक्टर बालाजी किनीकर आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे माजी नगरसेवक भरत गंगोत्री यांच्यात आरोप प्रत्यारोपाच्या फेऱ्या सुरू झाल्या आहेत। किनीकर यांनी 2 दिवसांपूर्वी कॅम्प नंबर 5 येथील भाटिया चौकात महापालिका अधिकाऱ्यांसोबत पाहणी दौरा करून भरत गंगोत्री यांच्यावर जोरदार हल्लाबोल चढवलाय। यावर आता भरत गंगोत्री यांनी सुद्धा आमदार बालाजी किनीकर यांचा चांगला समाचार घेतला आहे। काय म्हणाले भरत गंगोत्री ते ऐकूया। और ये हमारे शांति प्रकाश, ओम शांति प्रकाश जो चौक है, वो चौक में एक बिल्डर को मदद करने के लिए हमारे जो भगवान है उल्लास नगर के, उनका चौक छोटा करने का काम यहाँ पे हो रहा है। पहले तो जो उन्होंने आरोप लगाया वो बेबुनियाद है। उनको लगता है इस शहर के डीपी के बारे में नॉलेज ही नहीं है। और जो एक बिल्डर के लिए उन्होंने आरोप लगाया कि भाई वो बिल्डर को कुछ फ़ायदा दे रहे हैं, तो पहले तो वो बिल्डर को ज़मीन SDO ने अलाट की है, गवर्नमेंट ने अलाट की है, और उन्होंने उल्लासनगर महानगर पालिका से प्लान पास करवाया है। और उन्होंने दूसरा आरोप ये था कि हमारे स्वामी शांति प्रकाश महाराज जी का चौक उन्होंने छोटा किया हुआ है। शायद वो भूल गए, जब DP बन रहा था तो ये सोए थे, उनको वो टाइम पता ही नहीं चला हमारे जो स्वामी शांति प्रकाश महाराज जी का चौक है वो DP में छोटा हो रहा है। तब उन्होंने कोई ऑब्जेक्शन लिया नहीं। लगता है उनकी नींद अभी खुली है और उनको अभी ध्यान में आ रहा है कि वो शायद हम छोटा कर रहे हैं। ये हम जानबूझ के हमारे समाज में हमको बदनाम करने की ये लोग साजिश कर रहे हैं, और इसका मैं पूरी तरह से खंडन करता हूं और उनको बोलूंगा अच्छी तरह पहले उल्लासनगर का जो DP प्लान है उसकी अच्छी तरह से स्टडी करें, पढ़ाई लिखाई करके आवे, उसके बाद आके कुछ भी एलिगेशन लगाएंगे हम उनका भी जवाब देंगे। 2 साल से काम वर्क ऑर्डर मिलने के बाद भी काम पूरा नहीं हुआ। जो काम चल रहा है वो पब्लिक के लिए तकलीफ देने का काम चालू है। आज कम से कम 1 साल हो गया, खाली गटार ही बना रहे। हमारे आदरणीय अजीत दादा पवार उप मुख्यमंत्री ने हमें 25 करोड़ को निधि दी थी। हमने जब निधि लाई थी तभी पत्रकार भाइयों को बताया था कि हम अपने पैनल में एक उल्लासनगर के लिए रोल मॉडल, एक नया उल्लासनगर बनाने का प्रयास शुरू किया। उस कामों को रोकने का प्रयास भी इन लोगों ने किया है। आयुक्त साहब को बोल के हमारे हर काम को ब्रेक लगाने का काम इन्होंने किया है। आज इनकी मजबूरी हो गई है, जब हम वापस से सत्ता में आए हैं तो अभी ये इनके अधिकारी सुनेंगे नहीं। इसके लिए अभी दूसरे तरीके से इन कामों को जानबूझ के बदनाम करना, ब्रेक लगाना या इशू बनाना। आपको मैं 3 मार्च 2023 का एक लेटर दिखाता हूँ जो माननीय आयुक्त साहब को रिक्वेस्ट की है मैंने कि भाई आप जल्द से जल्द इन कामों को आदेश दो और सत्ताधारी मंत्री और नेताओं के दबाव में ना आकर जल्द से जल्द कामों का आदेश दें और काम चालू करें। हमने लिखित में जवाब दिया है, लिखित में कंप्लेंट दी है उनको और रिक्वेस्ट भी की है, फिर भी वो लोग नहीं करते हैं। और आज वापस से प्रशासन को ये लोग दबाव डाल रहे हैं। और एक सितंबर में भी लेटर दिया था शिवनेरी रोड के ऊपर कि वहाँ के लोगों को कुछ गैर समझ है, कृपया करके उन लोगों को कॉन्फिडेंस में लो और आप एक हेयरिंग लगा के उनका जो प्रॉब्लम्स है उनका हल निकाल के जल्द से जल्द रास्ता स्टार्ट करो और दिसंबर से पहले इस रोड को ख़त्म करो, वो भी 2022 में। मगर उसका निर्णय हमारी सत्ता में आने के बाद हुआ है और वह आज काम चालू हुआ है।
तो आप अंदाज़ा लगाओ ये दिक्कतें कहाँ से ही है, इनकी तरफ से ही यहाँ पे दिक्कतें शुरू की गई है। वो एक भी काम डीपी के रोड में, जो डीपी का रोड है, समझो किधर 80 फुट है तो वो 80 फुट से नहीं बन रहा है, किधर 120 फुट का है उसके उदाहरण सामने हैं, आज भी वो जगह पे 120 फुट के रिंग रोड नहीं बन रहे हैं। आज पहले इस शहर की परिस्थिति इतनी ख़राब हो चुकी है, लोगों के चलने के लिए दुश्वार है, हमारे को रास्ते नहीं हैं चलने के लिए लोगों को, और आने वाला टाइम उल्लासनगर के लिए और नई डेवलपमेंट होगी, पता नहीं और कितनी मंजिलों की बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनने वाली है, उसमें और पॉपुलेशन बढ़ने वाली है, गाड़ियों का भी लोड बढ़ेगा, तब ये रोड आज जो रोड उसी रोड को उतना ही बना रहे हैं, वो ये आगे का सोच के नहीं बना रहे कि ये फ्यूचर में लोगों को कितनी दिक्कतें देंगे, मगर इनकी विजन सोच है ही नहीं, इनकी सोच है खाली बस दिखावे का काम करना है और पेपरों के ऊपर काम करना है। वो पेपरों के काम में आपको दो वर्क ऑर्डर दिखाता हूँ जो इन्होंने सेंक्शन किए हैं, पन किधर भी उल्लेख भी नहीं करते हैं, बताते भी नहीं हैं हमने पास किया है। ये निजी खुद बिल्डरों को फ़ायदा देने के लिए दो वर्क ऑर्डर है, आप इसका अच्छी तरह प्रिंट आउट निकालिए। ये कौन से काम है वो बताओ। ये 5 नंबर राशन ऑफिस से एक 24 मीटर का रोड है जो खरी मशीन की ओर जा रहा है, और उधर से एक 18 मीटर का रोड है जो गायकवाड़ पारे के इधर निकल रहा है। कभी का वर्कआउट है, एक वर्क ऑर्डर अप्रैल का है 2024, जिसमें 6 महीने का टाइम पीरियड दिया है 2022, दूसरा अगस्त 2022 का है, उसका भी 6 महीने का टाइम पीरियड है, किधर भी उन्होंने काम ये नहीं किया है। और हमारे डीपी रोड को उन्होंने खुद लेटर दिया है कि ये रोड बनाओ मत, इधर झोपड़पट्टी आ रही है, और इनमें तो पता नहीं कितने घर आए, हमारे इधर तो इतने घर भी नहीं है, और मैंने माननीय आयुक्त साहब से रिक्वेस्ट की कि साहब उनका अल्टरनेट निकाल के, उनका कोई पर्याय निकाल के उनको शिफ्ट करो, डीपी रोड बनने दो। आज खुद सब गलत काम करेंगे, खुद दिखावे, उधर एक बिल्डर की ज़मीन है, उस ज़मीन को फ़ायदा देने के लिए ये काम कर रहे हैं और हम पे आके आरोप लगाते हैं। अच्छा, दूसरी बात, हमारे जो मेन स्वामी शांति प्रकाश चौक के लिए जो उन्होंने बताया, आज नेताजी चौक पे साईं गुरमुख दास चौक सेंक्शन है, उनके बारे में इनको कुछ चिंता है, कितने साल से ये मुद्दा अटका हुआ है? अगर हमारे संतों की इतनी उनको चिंता है तो इस मुद्दे को भी हल करें ना। जबकि मैंने हेयरिंग में कमिश्नर साहब को बताया था कि भाई ये जो स्वामी शांति नहीं देव गुरमुख दास चौक है ना, वो नेताई चौक पे सामने सेंक्शन हुआ लाए, और दिगे थाप का चौक, वो सिनेमा जो हमारी प्रभात सिनेमा थी उसके सामने चौक, मतलब वो प्रभात गार्डन के सामने चौक आता है, उधर सेंक्शन है, क्योंकि जहाँ पे सिनेमा थी वहाँ पे कोई भी डेवलपमेंट हो नहीं सकती है, और जहाँ साईं आर्केड करके मार्केट पास है वो वहाँ पे मैरिज हॉल हुआ कर गार्डन हुआ करता था, जहाँ पे शादियाँ होती थी। ये वी शेप में प्लॉट है जहाँ पे 3 लोकेशन आती है, एक प्रभात सिनेमा की लोकेशन आती है, दूसरी साईं आर्केड की, और तीसरी प्रभात हॉस्पिटल करके फेमस थी। तो मैंने हेयरिंग में कमिश्नर साहब को बताया था कि साहब ये दिगे साहब का जो लोकेशन आ रहा है ना, वो प्रभात सिनेमा, वो प्रभात सिनेमा आज भी देखेंगे आप, टफ गार्डन जो बना हुआ है ना, उसका प्लाट मोकला पड़ा हुआ है, जहाँ पे इंटरटेनमेंट की वजह से कुछ भी कंस्ट्रक्शन अलो नहीं है, वो आज भी मोकला पड़ा हुआ है, मगर उसके ऊपर वो लोग निर्णय नहीं ले रहे। और बाकी के संतों के लिए हमारे समाज में आके गुमराह करने का काम कर रहे हैं। भरत जी, आप पर ये नहीं, मैंने तो पूरा उल्लेख दे दिया। दूसरा, कुछ व्यापारियों के लिए उन्होंने जो बताया, हमारे देखो एरिया के जो लोग हैं वार्ड के, वो बोले वाले हैं, उनको महानगर पालिका के कामों की जानकारी नहीं रहती है कि काम किस प्रकार से होते हैं। और इधर आयुक्त साहब खुद विजिट किए थे, उस विजिट में आयुक्त साहब ने बोला कि यहाँ पे अंडरग्राउंड ड्रेनेज की लाइन कंपलसरी डाला जाए, क्योंकि अभी वो सेंक्शन हो चुकी है, जब तक उनको वर्क ऑर्डर मिलता है आप उसके लिए रुकिए, तब उसकी वजह से ये काम रुका हुआ है। और इसका उल्लेख खुद शिवकानी जिस स्पॉट पे बालाजी केनिकर बैठे हैं,
उस स्पॉट पे शिवकानी ने उनको बताया है, और जिस स्पॉट पे बैठ के वो बात कर रहे थे कोई फ्रूट वाला है, माणिक फ्रूट वाला, हमारे इस रोड पे अंडरग्राउंड लाइन का इतना प्रॉब्लम है, कम से कम हर तीसरे चौथे दिन हमको गाड़ी मंगा के वहाँ पे ड्रेनेज की जेटिंग वगैरह करानी पड़ती है, नहीं तो रोड के ऊपर ओवरफ्लो होके पूरी गंदगी घरों में जाती है। अब इतना बड़ा प्रॉब्लम, लोगों को इस चीज़ों का नॉलेज नहीं रहता है, उसका फायदा बालाजी केनिकर राजनीति में कर रहा है। उनको कन्विंस करना चाहिए था कि भाई ये आपके ही फायदे के लिए काम हो रहा है, जिसके अगर जानकारी लेते थे अच्छी तरह और उनको कन्विंस करते तो इतना इशू नहीं बनता, मगर इन्होंने जानबूझ के ये इशू बनाया है। आकाश सहाने, स्वानंद मीडिया, उल्हासनगर। ताजा घडामोडींसाठी स्वानंद न्यूजला सब्स्क्राइब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा।